वाओ आपण देखि परछन्थे ए ग्रेवी एठि हमर केते यम्मी आ केते सुंदर देखाउ छी। नमस्कार आपण समस्त रीनालिनी डॉट कॉम को बहुत बहुत स्वागत। आज हम अति सहज रे तैयार पर तो गोटे सुपर टेस्टी रेसिपी बॉडी आलू आ बैगन रो मसला तैयार करबा जोटा कि विशेष करी गर्मा गरम ही गरम भात कि परटा सहित खायापाई बहुत टेस्ट लगी थाए। तो आशा करूँ आज रेसीपी आपको बहुत भल लगे। भल लगे वीडियो को लाइक करूँ सेयार करूँ एवं इतना नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबापी सब्सक्राइब कलापर पाखे बेल आइकन रे प्रेस करनी तेज चलत देखि ना आज रेसीपी। तो आमको यह सब सामग्री दरकार। एटे मुझे चारोटी बैगण आउ दुईट आलू को आपड़ देखिपी सामान सैज्र बड़ बड़ आकार काटी रखी आटि नालामती पाने रे बुड़े रखिए ताद्वारा जिते बड़ पर्यटन आपको यूज नक बैगण आलू कला पड़ न था। ता सहित नहीं चे 8-9 खंड बड़ी एटा बिल्कुल ऑप्शनल अच्छे जदि आपको पसंद ना कि आपरे अवेलेबल ना आपको आप स्किप करेंगे जेहेतु ये मुझे आलू आ बैगण सहित तो बड़ी रपी मसला तैयारी करुच्चे तेणु ये मुझे बड़ी नहीं देले बड़ी आप देखिए बहुत टेस्ट लगी था। ता सहित दुईट मीडियम सैज्र पिज तीनो मीडियम सैज्र टमाटो दुईट कचा लंका आ जगह सुखा लंका भी नहीं पारे 2 इंच अदा 10-12 रसुण कोला कि गोटे बड़ रसुण गोटे डालचीनी 2 ग्रीन गुजराती किसी कटा फ्रेश धनिया पत्र जीरा हलदी गुंड काश्मीरी लंका गुंड एटा खूब कम राग था कि बहुत बढ़िया ग्रेवी रे रंग दे थाए। जदि आपरे ना नॉर्मल लंका गुंड भी दे पारे कि बहुत राग से रही है तेणु केयरफुली ऐड करेंगे। ता सहित किसी धनिया गुंड नापरिवे भजा जीरा गुंड एटि मुझे मीट मसला नौचे जोटा कि बहुत बढ़िया बास्ना और टेस्ट दे थाए। ता सहित लुण आउे सोरस तेल जोटा कि विशेषकर जिते सब मसला रेसीपी रे बहुत भल बास्ना दे थाए टेस्ट दे थाए ना जगह जेकोसी खावा तेल को भी यूज करें। तो प्रथम आम मसला तापी अलग टमाटो को ग्राइंड करने जो बाकी जिनस रहीगला एल्प पा देते पारे पूरा चिकन भाव में ग्राइंड करने कारण ये मसलार ग्रेवी आमको पूरा स्मूथ दरकार अच्छी। पूरा चिकन करी मुझे सब ग्राइंड कर खूब कम पानी एथे यूज करेंगे केवल गोटे रु 2 बड़ चामच देटा हो गला आपको आम सैड करके रखीद पर यूज करने नेक्स्ट प्रोसेस को कढ़ई ये आम हाल्का गरम हो जाद 2-2.5 बड़ चामच सोरस तेल टी अधिका कि टाइम देखिए कारण आमको ये तेल ही बड़ी आलू आ बैगन तीन टाक जिनस भाजवार अच्छी। तो प्रथम मो बड़ी को भाजी नौ बड़ी जेहेतु जल्दी भाजी हो जाए आमको कितु भितर बाहर दुईटा जाक क्रिस्पी और क्रंची बनबार अच्छी और बाहर गोल्डन ब्राउन कलर देवार अच्छी तेणु तेल गरम थी कि गैस फ्लेम लो कि लो मीडियम रखिकी बड़ी को भाजी ने बैगण गुड़िक नरम न पड़ापी मुझे हाई फ्लेम रे पूरा सब भाजी नहीं मन रखु जेहेतु गैस फ्लेम हाई थाए तेणु आपको मझे मझे ओल्टौ थे ताद्वारा सबुठ सामान गोल्डन ब्राउन कलर आसो पोड़बनी। तो एबे आम लास्ट एद बैगण को देखिकी कि खूब कम लुण आ सब जिन भल भाव गोल गैस फ्लेम एबे भी हाई अच्छी। तो ये सब जिन गोल सांगे सांगे आम बैगण को गोटे प्लेट को काढ़ी नवा तापर ये सामान तेल रेदी पुणी आलू आलू को आमको किंतु भितर बाहर दुईटा सीझीबार अच्छे से गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखिकी मझे मझे ओल्टौ थे जिते बड़ जाए गोल्डन ब्राउन कलर न आसी जाए। तो किसी समय भाजी नेलापर आप देखिपुट सबुआ आलूर सामान कलर आसिकी ऊपर गोटे लेयर पर आसी जाए एमती हवा दरकार आपण को मैं देखा केमी आसी देखो केते बढ़िया से एमतीया छुरी रे काटले माने आराम से खंड हो जाती हवा दरकार। तो एबे आको आमे काढ़ी नबा आउ नेक्स्ट ग्रेवी बनेबा प्रोसेस को जीवा। तो तापे प्रथमे गोटे छोट मिक्सिंग बाउल ले जीवा 3-4 बड़ चामच पानी गोटे छोट चामच हलदी गुंड 2 छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड गोटे छोट चामच धनिया गुंड
गोटे छोट चमच मीट मसला आ जगार ये गरम मसला भी नहीं पारे ना तो लास्ट आड करें तो सब जिनस को भल भाव फेंटी ना आउ ए प्रोसेस विशेषकर बिगिनर्स कि जो मैंने रोसईर नुआ अच्छा से मानी बहुत भल कारण सुखा गुंड गरम तेल देने जल्बार बहुत टाइम रिस्क रही है ताद्वारा बिलकुल तरकारी टेस्ट भी खराब करदे से आपड़ से रिस्क रु बचापी एमतिया प्रोसेस करेंगे जहाद्वारा जल्बन तो बिलकुल भी मसला आ बहुत बढ़िया पूरा डबल फ्लेवर दे था डबल बासना भी दे था तो ये आम सब जिन भल भाव फेंटी हो जाए आपको आम पर मसला कसला बेले यूज करवा तेणु सैड करके रखिद नेक्स्ट प्रोसेस को जी आउ दुई चामच सोरस तेल दे गरम करनालादेवे गोटे छोट चामच जीरा आम फुटे नवा तो जीरा ये आम बढ़िया से पूरा भल भाव फुटी जा पूरा केयरफुली गैस फ्लेम को लो करके देदबा ए मिक्सचर को सुखा गुंडर सबू जदि भी सुखा गुंड भी डायरेक्ट दौंस भी गैस फ्लेम को पूरा लो करदे थे ताद्वारा आज जल्बार रिस्क रही तो ये आम पूरा केयरफुली देदबा आईदेलापर एमती ही गैस फ्लेम लो ही थी पूरा भल भाव गोल ने तो आपड़ देखिपी धीरे धीरे गोल नापर के सुंदर कलर पूरा उठिकी आस तेल सैड्रु बाहर पूरा बहुत बढ़िया बास्ना भी आसो आप जिते बड़ा बनइबे जापर तो एमती भल भाव गोल नापर एवं आम एद आगु ग्राइंड कर रखि पिज रसुण अदा और गोटा गरम मसलार पेस्ट तापर ताक भल भाव गोल आपको भल भाव कषापी गैस फ्लेम को लो मीडियम रखिकी कभर कर किसी समय छाड़द चार पाँच मिनिट पर देद ग्राइंड कर रखि टमाटोर प्यूरी ता सहित खूब कम कि हाफ छोट चमच लुण दे कि भल भाव गोल नापर पुणी थे टमाटोर कंचा गंध जा भल भाव कषिपी लो मीडियम फ्लेम सेमतिया कभर करें कषि नवा आठ दस मिनिट पर पा सुखी जापारे मसलार चारिपाखर तेल बाहर स्टार्ट हो सहित अदा पिज रसुण और टमाटर कंचा गंध भी जा बहुत बढ़िया कषा बास्ना आसो टाइम पा आड करदे कि जेहेतु यहाँ हूँ कषा रेसीपी कि मसला रेसीपी लटपट हो खाली मसला रिंवा खूब कम ग्रेवी रमितिया हे तेणु ये मुझे हाफ ग्लास पा आप चाहिए कम बेसी भी करेंगे तो ये आम आपको फुटे नवा आउ एठी एटा फुटी जाइछे दे देबा भाजी रखिथिबा आलु आ बाइगण आउ लास्ट रे एठी मु बॉडी को देबी कारण बॉडी बहुत जल्दी बतुरी जाय थाय ओ मते एथिरे बॉडी को क्रंची रखिबार अछि तो भलो भाबरे गोळे नेला परे आगुरो जेहेतु आमे अल्प लुण देइथिले तेनु केयरफुली स्वाद अनुसार लुण आड कर देबे तापरे आउ टिके भलो भाबरे पूरा कंप्लीटली सिझिबा पई आलु बाइगण को लो मीडियम फ्लेम रे कभर करके किछ समय छाडी देबा वाओ आपण देखिपी ग्रेवी ये आम केमी आते सुंदर देखा पांच मिनिट हो जाएद भाजी रखि बड़ी आसी नुह केवल देढ़ रु दुई मिनिट पर लो मीडियम फ्लेम रे कवर करदे ताद्वारा उपरटा क्रंची लगे जोटा कि अधिका टेस्ट लगी था तो ये दुई मिनिट हो जाए देद काटि रखि धनिया पत्र जदि गरम मसला भी रखिंट गुंड भी यही टाइम देपारे तापर एबे एटा बिल्कुल रेडीगला पूरा हल्का जेहेतु बैगन पूरा सीझिकी नरम अच्छे तेणु पूरा हल्का गोलैबे आटा हो जाए गैस फ्लेम को बंद करके आपको आम सर्व कर नवा एबे एठी हमर सुपर टेस्टी बड़ी बैगन मसला बिल्कुल खाइबापाई रेडी हो गला आउरी सुंदर देखा जाइबापाई अल्प टिके धळा राशि सहित किछि धनिया पत्र को सजे नहींची आउ आकु आपण एमतिया गरमा गरम ही गरम भात हो किबा रोटी परटा सहित सर्व करंतु मते तो विशेष करी परटा सहित खाइले बहुत टेस्ट लागि थाए आपण को बनेला परे काहा सहित खाइले बेसी भल लागिला किबा केमितिया लागिला आपणकर अनुभव भिडियो रो कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु धन्यवाद तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे आउ एपाखे फेस आइकन को क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।